देखिए बिल्कुल इस स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और कल बार बार जब ललन सिंह से पूछा जा रहा था क्या आप अध्यक्ष रहेंगे, इस सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं कह रहे थे। आज सुबह जो बैठक हुई है नीतीश कुमार और ललन सिंह की, उसमें यह तय हो गया था कि कैसे वो इस्तीफे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बैठक की शुरुआत हुई, स्वागत हुआ, लोगों ने, नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी जिन नेताओं को बोलना था। फिर ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की और नीतीश कुमार पदाधिकारियों के बाद जो नेता वहाँ मौजूद थे उनकी भी सहमति थी इस फैसले पर। और नीतीश कुमार अब जेडीयू के अध्यक्ष होंगे, जो अंदर से जानकारी हमें मिली है। और औपचारिकता आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उस फैसले पर मुहर लगेगी। कार्यकारिणी के बाद परिषद की बैठक होती है, तो लोकसभा चुनाव में जो हमें जानकारी मिली है, लोकसभा चुनाव में जेडीयू का नेतृत्व पार्टी का नीतीश कुमार। दूसरी बात देखिए, ज़्यादातर वक्त तक शरद यादव अध्यक्ष थे, 2016 से 2020 तक नीतीश कुमार अध्यक्ष थे, उसके बाद आरसीपी सिंह बने और फिर ललन सिंह। लेकिन ललन सिंह को अपने इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता जो हैं वो नहीं चाहते थे कि ललन सिंह के नेतृत्व में चुनाव हो। ललन सिंह को लेकर जो नेताओं ने नीतीश कुमार को शिकायतें की थी, नीतीश कुमार ने हाल में सांसदों और विधायकों से मुलाकात भी की थी, लोगों का मन क्या है मूड जाना था। और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वो पार्टी की कमान संभालने को तैयार है। तो जेडीयू को लेकर एक बड़ी बैठक आज की बैठक से, और जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी, जो लगातार खबरें चल रही थी, बिल्कुल उस पर मुहर लग गई है कि अब ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, वो अपना फोकस लोकसभा चुनाव तो पे। नीरज, जो बात न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे, आखिरकार वैसा ही जेडीयू में होता दिखाई दिया और औपचारिकता आज की इस बैठक में हो गई पूरी। अब पटना में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, चंद्रमोहन, क्या हमने दर्शकों को जिस तरह से बताया, आप जिस तरह की खबरें पटना से ला रहे थे, वैसा ही हुआ और अब प्रक्रिया उसी दिशा में आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 इंडिया ने पहले ही यह बताया था कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और वही अभी जो बैठक दिल्ली में चल रही है उसमें साफ तौर पर जब ललन सिंह भाषण दे रहे थे उन्होंने ये कहा कि हमको अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, ऐसे में मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता हूं और अब नीतीश कुमार इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और वही जो पहले न्यूज 18 इंडिया खबरें दिखाते आया है वह उसी पर अभी मुहर लगते हुए दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से एक महीना पहले नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों और चंद्रमोहन बने रहे हमारे साथ, नीरज, औपचारिकताएं अब पूरी हो रही है। नीरज, बैठक में काम हो चुका है, अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष, क्या औपचारिकताएं अब पूरी हो रही है, ऐलान कुछ ही देर में होगा? देखिए बिल्कुल, यहाँ जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो उनके पक्ष में नारेबाजी करने लगे, नीतीश कुमार के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं तक खबर आ गई है, यहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, कार्यकर्ताओं तक भी आप लोगों को खबर आ गई। अब देखिए, देश मांगे नीतीश कुमार जी, उसका एक बढ़ता कदम है, तो नीतीश कुमार की कमान में आप लोगों को फायदा होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी के कमान में भी फायदा था, ललन सिंह जी भी थे तब भी फायदा था। और ललन, लेकिन फिर बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए कि देश में जो नेतृत्व क्षमता नीतीश कुमार जी की है, बदलाव तो परंपरा है सर, कोई पार्टी सब दिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नहीं चल सकता है, पार्टी का जो रूल है उस रूल के हिसाब से चलता है। आपको क्या कहना है? बिल्कुल नीरज, ये कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये दरअसल करना क्यों पड़ा नीतीश कुमार को, क्योंकि आने वाला है नया साल और इसी से पहले नीतीश ने चल दी ये नई चाल, इस चाल को चलकर उन्हें क्या फायदा दिखाई दे रहा है? देखिए, ये कहानी है जिसमें कई हर रोज एक नाटकीय मोड़ जरूर आता रहेगा, अभी आने वाले दिनों में भी, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होता है, बिहार के विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं। इसकी शुरुआत तब से होती है जब बिहार में बीजेपी का दामन छोड़कर इन लोगों ने आरजेडी का दामन थामा था। आरजेडी के साथ लगातार दबाव है, 75 सीटें लेकर आरजेडी आगे है, उनकी तरफ से दबाव है। नीतीश अपने जो सौदा हुआ था तब उसके हिसाब से पद छोड़े, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय नेतृत्व बनकर इंडी गठबंधन का के संयोजक बन जाए, ये लगातार आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से दबाव है। नीतीश को उधर से दबाव था, दूसरा पार्टी के अंदर भी दबाव था, क्योंकि नीतीश जानते हैं क्योंकि उनके बाद फिर जेडीयू को बचाने वाला नाम लेवा कोई नहीं होगा, आधी पार्टी आरजेडी जाएगी, आधी पार्टी बीजेपी जाएगी। तीसरा ऑप्शन था बीजेपी का, बीजेपी की तरफ से कोई न कोई भी अभी तक फिलर्स नहीं आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कोई बात नहीं हुई है, तो नीतीश के सामने एक ही था
कि उन लोगों को रोके जो आरजेडी के साथ रहने की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कहीं से सत्ता सौंपना नहीं चाहते आरजेडी को और तेजस्वी को। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक 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 अगर पेशकश करके ललन जी ने उनको अगर 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 चादर पहनाई अध्यक्ष पद की, तो नीतीश कुमार एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी के पूरी तरह से कमांड में है। जो पिछले दिनों खबर उड़ रही थी कि वो स्वस्थ नहीं है, वो पार्टी पर से कमांड खत्म हो रहा है, प्रशासन से कमांड खत्म हो रहा है, सब पे उनकी पूरी तरह से कमांड है, तो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ भी और बीजेपी को भी कि वो पूरी तरह कमांड में है। मुझे लगता है अभी और कई नाटकीय मोड़ आने बाकी हैं। अभी ये एक बड़ी खबर भी है कि जिस तरह से ये सियासी करवट बदली है नीतीश कुमार ने, अभी एक उसका बहुत छोटा हिस्सा है। अमिताभ, आप जिस तरह से संकेत दे रहे हैं कि एक बड़ा रूप सामने आ सकता है, नीरज, क्या अब औपचारिकता पूरी की जा रही है, इसका ऐलान किया जा रहा है बाहर जहां कार्यकर्ता उत्साहित है, इंतजार कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, नीतीश कुमार अब निकलने वाले हैं, उनके काफिले की गाड़ियां यहां से निकल रही है, वो तैयार है, और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दोबारा से नीतीश कुमार आएंगे, जो औपचारिकता पूरी की जाएगी। यहां देखिए नीतीश कुमार, देखिए ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का काफिला यहां से निकलता हुआ। नीतीश कुमार से एक कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी, और पीछे ललन सिंह और दूसरे नेता। देखिए ये काफिला निकलता हुआ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई और नीतीश कुमार आगे सीट पर, संजय झा देखिए यहाँ, यहाँ नीतीश कुमार आगे सीट पर मुस्कुराते हुए और पीछे ललन सिंह, जो लोग आए थे साथ में वही जा भी रहे हैं, संजय झा मौजूद थे। इसके अलावा ललन सिंह जो कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट है जेडीयू के, और हम अंदर नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अब इस फैसले पर मुहर लगेगी। औपचारिकता होती है पार्टी के अंदर, उस पर भी मुहर लगाई जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस कमान को संभालने का फैसला किया। अंदर चलते हैं, आपको दूसरे नेताओं से बातचीत के लिए जो नेता यहाँ मौजूद थे इस बैठक में, उनसे हम तस्दीक करेंगे क्या कुछ हुआ एग्जैक्ट, कैसे लग कर देगी, तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। विजय जी, कारण क्या है ललन सिंह के इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था, और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, एक नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह के, दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल, इतना नया शब्द आप कहाँ से ला रहे हैं विजय जी? ये इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। विजय चौधरी जी ये बताइए कि आप नीतीश कुमार स्वतंत्र हैं? ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस तब होगी जब राष्ट्रीय परिषद सारे प्रस्तावों को पास। दोबारा से नीतीश जी आएंगे बैठक में शामिल होने? वो तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं, यही सबसे अहम बात है। केसी त्यागी ने हिंट दे दिया है कि आधिकारिक घोषणा आज शाम 5 बजे की जाएगी, नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने की आधिकारिक घोषणा शाम 5 बजे की जाएगी। कोई भी अधिकृत नहीं है 5 बजे से पहले बोलने के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण कर लिया है, इसलिए फिल अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, और मुख्य जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी, अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। तो क्या बीजेपी के जो दरवाजे थे 2017 में जैसे खुले थे और अचानक सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए, क्या उसी तरह की पटकथा फिर लिखी जा सकती है? इस बात का उन सब बातों से कहाँ कोई मतलब है, न कोई जुड़ाव है, न कोई लेना देना है, इसलिए इस बात का सिर्फ इतने मतलब जुड़ाव तो है विजय भाई, नहीं जुड़ाव जुड़ाव है, क्या लगता है कि जुड़ाव मिलेगी अब आगे? जुड़ाव इसलिए है विजय जी, जुड़ाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है, फिर आप हटने, हटना, हटाना, ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, और हमने कहा
कि दोनों पहले प्रभावी दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनते हैं और उसके बाद जो सरकार आप लोग बिहार में चला रहे हैं उसको कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती ही है, उसमें फर्क क्या है? पहले एक नेता थे, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। ललन बाबू पहले भी वरिष्ठ नेताओं में से थे, अभी भी वही उनकी भूमिका रहेगी। मेन वजह क्या मानते हैं ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के वजह छोड़ने की? वजह उनका चुनाव लड़ने जाना। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आप देख, वो तो है, लेकिन अंदर क्या हुआ ये तो बता दीजिए। अंदर की बात बाहर बताने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं। खबर ये चल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साफ बना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनने। आधिकारिक तौर पर ये घोषणाएं 5 बजे की जाएंगी। 5 बजे करबद्ध प्रार्थना है, मैं भी अधिकृत नहीं हूँ, कोई और भी नहीं है। 5 बजे से पहले कोई भी घोषणा करने के लिए आप कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस तब होगी जब राष्ट्रीय परिषद सारे प्रस्तावों को पास करेगी। दोबारा से नीतीश जी आएंगे बैठक में शामिल होने? वो तो सर्वत्र हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले राष्ट्रीय परिषद से पास तो नया देश पर दोहर जाएगी। 5 बजे बताएंगे, 5 बजे बताएंगे। केसी त्यागी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं, क्या यही नीतीश कुमार चाहते थे? लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, राष्ट्रीय स्तर की सियासत को आपने नजदीक से देखा है और जिस तरह के संकेत आप दे रहे हैं, दरअसल विजय चौधरी से जब सवाल किया गया कि पार्टी में फूट थी, वो झुंझला उठे, लेकिन जब उनसे कहा गया कि बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जिस तरह के संकेत आप दे रहे हैं, तैयारी भीतर खाने, क्या वैसे ही कुछ चल भी रही होगी? देखिए नीतीश जी आखिर दम तक नहीं बताएंगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको पिछली बार भी अगर बीजेपी से शपथ छोड़ी थी तो आखिरी मोमेंट पर उन्होंने समर्थन वापस लेकर आरजेडी से समर्थन लिया था। उसके पहले आपको याद होगा इसी कंस्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने एक पार्टी की कार्यकारिणी की थी जब उनको बीजेपी से अलग होना था, जहां बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे। उन्होंने कहा था कि हवा अब उल्टी बह रही है, हवा मोदी जी के पक्ष में नहीं है। उसके बाद फिर वो मोदी जी के साथ आए, तो मुझे लगता है कि अभी उन्होंने पत्ते खुले रखे हैं। इंडी गठबंधन से उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, जो शुरुआत में मिल रही थी कि वो संयोजक बनेंगे। इंडी गठबंधन ने अब तक कहीं किसी कोई सुगुगाहट नहीं है कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। दूसरा, कोई ये कमिट करने को तैयार नहीं है कि उनको PM कैंडिडेट बनाया जाएगा। उल्टे ये प्लांट ममता बनर्जी ने कह दिया कि खड़गे को बनाएंगे, तो नीतीश जी का कम से कम उस तरफ से तो दिल टूटा हुआ है। तीसरी बात, कांग्रेस कह रही कि जितनी सीटें, वो आपको याद होगा 3 दिन पहले खबर प्लांट हुई कि 17 सीट RJD, 17 सीट JDU और 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 10 सीट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस 4 सीट पे कहीं से नहीं मानने को तैयार है। अगर 40 सीटों में 17-17 ये लड़ेंगे 34 और 6 सीट कांग्रेस, 4 कांग्रेस को देंगे, तो कांग्रेस कहाँ मानने वाली? कांग्रेस का कहना है 10 सीट दो, तो सीट बंटवारे में अगर कांग्रेस से मुंह की खा रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश और UP में चुनाव लड़ना पड़ा था। इतने सीनियर हैं पार्टी की, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई एम एड्रेसिंग टू यू, नॉट टू हर। केसी त्यागी कह रहे हैं कि औपचारिकता 5 बजे पूरी कर ली जाएगी, जो कुछ भी अभी बैठक में हुआ है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगी। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। हाँ, हमारे साथ JDU के नेता दसई चौधरी जी हैं, क्या हुआ अंदर बैठक में ये बस बता दीजिए। उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार सरकार में जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव में रखते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार जी को
अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए और यही कार्यकर्ताओं की इच्छा है, उसका समर्थन वहाँ बैठे हुए सारे जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उन लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन किया। फिर मुख्यमंत्री जब उठे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हम तो नहीं चाहते थे लेकिन सब लोगों का आग्रह है तो हम इसको स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष के